أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं दोबारा अपनी क्लास का अल्लाह ताला के फजल करम से। और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज अभी हम आप पहले कोई सवालात पूछना चाहते हैं ना तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी हम ज़रा पहले कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो वो बुक मैं ओपन कर रहा हूँ, वो अभी ओपन नहीं हो रही, तो आप उस वक्त तक कोई लिख के भी सवाल कर लें। और पार्टिसिपेंट्स भी हमारे पास हैं, आप वैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो माइक्स भी आपके खुले हुए हैं, इफ़ यू विश टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे सर, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोलकर भी और लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो सर नो प्रॉब्लम, उसके मैं जवाब देता चला जाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी तो स्क्रीन ही शो नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, वो स्क्रीन इसलिए नहीं शो हो रहा कि यहाँ बुक नहीं ओपन हो रही। आप वैसे जनरल कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो अभी कर लें, तो स्क्रीन भी शो हो जाती है अभी आपको इंशाल्लाह। तो अगर कोई सवाल है साथ साथ तो आप पूछ सकते हैं जो हम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है सर। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, फिर आप अभी मुझसे सवाल नहीं कर रहे तो कुछ बुनियादी अंग्रेज़ी के चले मैं आपसे सवालात करता हूँ। तो कुछ ज़खीरा अल्फाज में से मैं आपसे सवालात पूछता हूँ, मिसाल के तौर पे। अच्छा जी, पहला मुझे बताएं नारे लगाने की अंग्रेज़ी कोई बताएं कि भाई नारे लगा रहे थे कारकुन वहाँ पर। लिखकर भी आप जवाब दे सकते हैं और माइक को अनम्यूट करके आप जवाब भी दे सकते हैं, तो दोनों तरह से अलाउड है, कोई मसला नहीं सर। स्लोगन्स सर। अच्छा, एक साहब ने बताया जी स्लोगन्स, तो स्लोगन्स तो है नारे, तो इसके साथ फेल लगाइए, नारे लगाना। स्लोगन्स तो ठीक है, नारे तो लगाने की अंग्रेजी क्या है ये नहीं फरमाया, तो साथ ये भी बताना है कि नारे लगाने की अंग्रेजी क्या है। स्लोगन्स अब्दुर्रहमान खिजर साहब ने फरमाया है, वो मालूम नहीं। चलें फिर मैं ही बता देता हूँ, नारे लगाने की दो अंग्रेजी है, एक है जी के चैंटिंग स्लोगन्स और एक है रेजिंग स्लोगन्स। ठीक है जी, एक मिनट ब्रेक लीजिएगा। जी जी सर, अच्छा सर ले सर, अब आपको मालूम हो गई कि नारे लगाने की अंग्रेज़ी होती है चैंटिंग स्लोगन्स और या रेजिंग स्लोगन्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए या आप नोट फरमा लें। चैंट स्लोगन्स, ये ज़रा देखे आपने जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको जरा देख।
जी जनाब, तो दे आर चैंटिंग स्लोगन्स। तो आपने दे के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये असल में THEY है। दे आर चैंटिंग स्लोगन्स, और दूसरा है रेजिंग स्लोगन्स। रेजिंग स्लोगन्स, ये मैंने दूसरा भी टाइप कर दिया है, रेजिंग स्लोगन्स। चैंटिंग स्लोगन्स और रेजिंग स्लोगन, ये दो अंग्रेजी है नारे लगाने की। अच्छा, अब आपने मुझ मैंने आपसे अगला सवाल करना है, टैक्स लगाने की अंग्रेजी बतानी है अब आप लोगों ने मुझे। हुकूमत जो टैक्स लगाती है ना, उस टैक्स लगाने की अंग्रेजी क्या है वो आपने बताना है। टैक्स लगा शाबाश, तो जो टैक्स लगाने की अंग्रेजी है अब आप लोग वो बताएंगे। चाहिए। अच्छा, दो लोगों के जवाब आए हैं, टैक्स रेगुलरिटी। इनायतुल्ला काकर साहब, जवाब गलत हो गया है। फॉर, लेवी लेवी हाँ, एक ये दुरुस्त जवाब दिया है इन्होंने, पता नहीं कौन, लेवी ये तो मुझे नहीं पता चल रहा। आपका क्या इसमें ग्रामी है? वसीम खान हाँ, वसीम खान साहब ने दुरुस्त जवाब दिया है कि जो है ना, लेवी एक खास लफ्ज है जो सिर्फ टैक्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेवी टैक्स। ये मैंने लिखा है, आपको मैसेज किया है, और भाई। सर इन्होंने ये लिखा है। आपने ये जिस वक्त ये हम पढ़ रहे थे उस वक्त आपने बहुत तफसील से ये बताया था, वजीर खजाना इस्तेमाल करता है नेवी। हाँ, वाह वाह वाह, जजाक अल्लाह खैरन वसीम खान साहब, कमाल कर दिया। तो उस्ताद को बड़ी खुशी होती है, वो खुद तो भूल जाता है उस्ताद, लेकिन वो कोई स्टूडेंट अगर याद करवा दे, नईम शाकिर साहब, तवज्जो चाहूंगा, तो बड़ी खुशी होती है कि वो तालिब इल्म ने बात को याद रखा। तो सर वसीम साहब, सल्यूट है आपको सर। तो लेवी टैक्स, ये मैंने लिखा है, तो टैक्स के स्पेलिंग गलत लिख दिए इनायतुल्ला साहब। तो ना, आप लोगों ने अंग्रेजी इम्प्रूव करने के लिए अंग्रेजी अखबार खरीदना है, एक ही महीने में 25 रुपए का आता है, और शायद इतवार को महंगा आता है, गालिबन 40 रुपए का, लेकिन उसमें 60-70 सफात होते हैं, वो पूरा महीना चलाएं। नईम शाकिर साहब, जजाक अल्लाह खैरन, यू आर वेरी मच देयर। तो FBR जो है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो टैक्स के स्पेलिंग है TAX। तो ये आते रहते हैं अखबार में, देखने से जो है ना, हवासे खमसा, तो एनुल यकीन हो जाएगा जब आप देखेंगे। तो जो चीज़ देखेंगे ना, स्पेलिंग, ये मेरे सामने लिखे हुए आ रहे भाई, वसीम के स्पेलिंग WASEEM, मैंने देखे तो मुझे याद हो गए, हुजैफा HUZAIFA। तो आप बार बार देखेंगे ना, तो आपको स्पेलिंग जो है वो याद हो जाएंगे। तो अंग्रेजी को देखना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी को देखना, किसी भी जुबान को जब आप देखेंगे तो आपको उसके वो अल्फाज से मुनासिबत हो जाएगी। तो ये आसान आसान से स्पेलिंग है। अब आपने लिख दिया फॉर्म FBR, होना चाहिए फ्रॉम FBR। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है। एक और टेक्स्ट की भी अंग्रेजी है, वो भी मैं बता देता हूं, इम्पोज। इम्पोज टैक्स, ये मैंने आपको लिख दिया है, लेवी टैक्स और इम्पोज टैक्स। तो अब ये आपके लिए दूसरा लफ्ज भी आ गया, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेवी टैक्स और इम्पोज टैक्स। अच्छा, अब आपने अंग्रेजी बतानी है, इज्दवाजी हैसियत, इसकी क्या अंग्रेजी है, इज्दवाजी हैसियत? मैरिट मैरिटल स्टेटस हाँ, ये किसने फरमाया, इरशाद फरमाया? जी सलमान मंसूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई, दुरुस्त इरशाद फरमाया, और अब्दुलरहमान खिजर भाई ने भी दुरुस्त इरशाद फरमाया, और स्पेलिंग भी दुरुस्त लिखे हैं, मैरिटल स्टेटस। इसको स्टेटस भी बोलते हैं और स्टेटस भी बोलते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के फ़र्क की रियायत रखते हुए। तो ठीक है जी, बड़ा अच्छा आपने
बयान फरमाया मैरिटल स्टेटस। अच्छा, जौज की अंग्रेजी अब आपने बतानी है, जौज वाहिद और अजवाज, तो ये आप कैसे फरमाएंगे जौज को, इसको भी जरा देखते हैं हम। हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड तो जौज ना हुआ, हस्बैंड तो खावंद हो गया ना, तो वो तो खावंद हो गया, तो आपने फरमाना है उसमें बीवी भी आ जाती ना, जोड़ा जौज, तो वो आपने बताना है, जौज बताना है आपने। सर स्पाउस कहते हैं, स्पाउस। हाँ, ये किसने फरमाया जी ये? सर अब्दुर्रहमान खिजर जी, अब्दुर्रहमान खिजर साहब, स्पाउस, ठीक है, ये किसी ने लिखा भी था तो दुरुस्त लिखा है, स्पाउस। कपल नईम शाकिर साहब बुजुर्ग आदमी हैं, आप उनकी बात का इनकार भी नहीं कर सकते। अच्छा, बिनते मिराजुद्दीन ने लिखा है, वाइफ एंड हस्बैंड गालिबन लिखना चाह रही हैं। चलें जी, सारे ही ठीक हैं। तो स्पाउस का मतलब ये है कि जॉज, ठीक है, स्पाउस, बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने दुरुस्त इरशाद फरमाया है। तो अभी हम क्या करते हैं जी, फिर इसको अच्छा, अब सर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी, ये मैंने भी स्पेलिंग एक लिखी है, ये हबी नहीं के एक बोलते, इसको क्या बोलते हैं जी? अच्छा, वो हबी तो खामन को कहते हैं, हबी। अच्छा, वो नहीं, वो जौज में नहीं आता है जी? नहीं नहीं, वो जौज के लिए नहीं है, वो सिर्फ खामन है, मेल। ठीक है जी, यस सर। तो वो खातून कहेंगी कि ही इज माई हबी। तो दुरुस्त आपने, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, शुक्रिया सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे अब आपने इरशाद फरमाना है कि इल्मे गैब की अंग्रेजी कौन बताएगा? इल्मे गैब, इल्मे गैब, हबी इंग्लिश का लफ्ज है बिनते मिराजुद्दीन। हो सकता है ये हबीबी से ना कहीं अरबी में से ले लिया हो मुस्तार अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज अरबी जुबान में आए हैं। अंग्रेजी नई जुबान है, अरबी बहुत पुरानी जुबान है उसके मुकाबले में, तो तहकीक करनी पड़ेगी। हो सकता है हबीबी से ना निकला हो हबी, वैसे ही अंग्रेजी का लफ्ज है हबी। हाँ, ये ठीक इरशाद फरमाया उम्मे आतिका ने, और ये मेरे सामने शायद उम्मे खंसा लिखा हुआ है। तो नॉलेज ऑफ द अनसीन, अल्लाह ताला। सर एक सवाल था जी। जी जी सर जी, बेटर हाफ किसे बोलते हैं जी? हाँ हाँ, बेटर हाफ जो है ना, वो एक मुहावरा है, वो भी जॉज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक ईडियम है भाई साहब। तो बेटर हाफ का मतलब होता है, आप दुरुस्त इरशाद फरमा रहे हैं कि शी इज माय बेटर हाफ, यानी अद्दा मैं चंगा ते अद्दी मेरी बेगम साहिबा चंगी। सर अनसीन कल वर्ड जी, ठीक है जी, नॉलेज ऑफ द अनसीन, अनसीन नॉलेज नहीं वसीम भाई और नईम शाकिर साहब, हम कहेंगे ओनली गॉड, ओनली अल्लाह हैज द नॉलेज ऑफ द अनसीन, ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट and what is going to be happen in future. So there is only one entity, one deity, one supreme God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has the knowledge of the unseen, who knows all about what is going on with the people, what happened with the people, and what is going on with them in the future. To ye sari baat theek hai ji, knowledge of the unseen. Acha, wudu ki angrezi bataye, kaun batayenge wudu ki angrezi? और पहले वुजू की अंग्रेजी बता दें, फिर वुजू बनाने की बता दें, अगर आती है तो फिर दोनों ही बता दें। सर वुजू को तो एवोल्यूशन कहते हैं ना सर? हाँ ठीक है जी, एवोल्यूशन कहते हैं। नायतुल्ला साहब, स्पेलिंग पे आपने काम करना है, आपके स्पेलिंग बड़े खतरनाक है, आपने एवोल्यूशन के स्पेलिंग आपने लिख दिया ओबलेशन, आपको अल्फाज आते हैं लेकिन स्पेलिंग नहीं आते, जिसकी वजह से काम खराब है। तो आप बोलने में तो समझा पाएंगे इनायतुल्ला भाई,
लेकिन जब आप लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे सर, तो फिर हमें दुख होगा कि हमारे नायतुल्ला साहब इम्तिहान में फेल हो गए। दूसरे साहब हाफिज साहब हैं, सैयद अहसन उल हक, इन्होंने अच्छी कोशिश की लेकिन ये भी खता खा गए हैं, इन्होंने भी स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो इसके स्पेलिंग है एबलूशन, ABLUTION, मैं यहाँ टाइप करता हूँ। तो ताडे स्पेलिंग बड़े कमजोर ने की वजह यार, मौलवी साहिबान का असल मसला वैसे स्पेलिंग ही होता है। तो एब्लूशन वुजू, और वुजू करना क्या है? मेकिंग एब्लूशन ने मेकिंग तो बस गुजारा है, प्रॉपर इसकी अंग्रेजी है परफॉर्म एब्लूशन, परफॉर्म एब्लूशन। वसीम साहब परफॉर्म एफ परफॉर्म से सर परफॉर्म जी, हाँ परफॉर्म, एफ से परफॉर्म मैं लिख रहा हूं, पी फॉर ओके पाकिस्तान, ओके परफॉर्म ओके ओके सर परफॉर्म, परफॉर्म परफॉर्म एब्लूशन एब्ल्यूशन। ओके सर जब मैं आपकी एज में था ना तो मुझे अंग्रेजी का बड़ा शौक था, और शौक क्या शाकिर साहब और अजीज तलबा, बड़ा क्रेज नहीं जिसे अंग्रेजी में कहते, क्रेज था। तो उस वक्त मैं सोचा करता था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि मैं भी अंग्रेजी बोल लूंगा और बगैर सोचे बोलूंगा। तो बड़ा दिल में एहसास कमतरी कह ले होती थी, या क्या कह ले, फीलिंग अजीब सी थी कि यार सानू अंग्रेजी नहीं आती और लोग पटाख पटाख अंग्रेजी बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि अब मुसलसल ही अंग्रेजी बोलते रहें तो सोचना नहीं पड़ता कि भाई राइट नाउ वी आर हेयर, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, अल्लाह सुबहाना व ताला हैज ब्लेस्ड अस इन सो मेनी वेज, वी आर अनएबल टू यू नो पे ग्रेटिट्यूड टू अल्लाहज ब्लेसिंग्स, अल्लाह हैज गिवन अस एवरीथिंग। यू नो अल्लाह सुबहाना व ताला सेज इन द कुरान, वाइन ताउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू विश टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यू विल नेवर बी एबल टू काउंट देम। तो सर ऐसी सोचने सा कि यार सानू किन जाएगी, तो सर इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करें अपना कुछ वक्त लगाएं और अहले इल्म के साथ वक्त लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका भी ये मसला हल हो जाएगा। तो ट्रैक पे आप चढ़े हुए हैं। मेरा अगला सवाल अब आपके लिए आ गया है, नमाज पढ़ना और तस्बीह करना, इन दोनों की अंग्रेजी बताएं। सर प्रे प्रेयर से प्रेयर और परफॉर्म एबुलूशन, ठीक है जी, से प्रेयर और ऑफर प्रेयर, ये नमाज की दोनों अंग्रेजी हैं, सही बताया सर। इस क्लास की बच्चे से काफी बेहतरी आई है बोलने में जी। वसीम खान साहब, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास की अपनी अपना एक हिजाब होता है, अगर आप सब लोग मेरे सामने मौजूद होते तो फिजिकल क्लास में हम पढ़ते तो इन इस क्लास के नतायज 50% बढ़ जाते। तो आप लोग सारे खुद ही माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये मुश्किल होती है हिजाब की वजह से, बोध की वजह से, दूरी की वजह से, बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है, आई कांटेक्ट नहीं है, फीडबैक जो है वो मुश्किल से मिलता है। तो अभी तो आप लोगों की बरकात है तो क्लास अच्छे अंदाज में चल रही है माशाल्लाह, और हमारे एडमिन्स की बरकात है कि वो नज़्म में बहुत अच्छे हैं सारे लोग। तो बड़ा अच्छा रहा है सिलसिला, जितने भी तलबा और तालिबात, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और हमारे मदारिस के तलबा उलामा वैसे ही नज़्बो ज़ब्त के, तो वो बड़े अल्लाह ताला की उन पे रहमतें होती हैं। तो अच्छा जी, इन्होंने लिखा है उम्मे आतिका ने काउंटिंग बीड्स, हाँ ठीक है, काउंटिंग बीड्स जो है स्पेलिंग भी गलत नहीं किया, कमाल ये किया है। तो चैपलेट ज़रा जुबान में अज़का जो है ना, ये ईसाई लुगत का वर्ड है, हमारे यहाँ फिंगरिंग बीड्स और चैंटे वो ये जो इन्होंने बताया है फिंगर काउंटिंग बीड्स, ये इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुर्शिद की अंग्रेजी बताएं और इमाम मस्जिद की अंग्रेजी बताएं। मुर्शिद जी, वैसे तो ये अल्फाज इतने मारूफ हो गए हैं कि अगर आप अंग्रेजी बोलते बोलते मुर्शिद भी कह देंगे तो अंग्रेज भी समझ जाएगा, लेकिन इन अल्फाज लीडर जी ऑफ मॉस लीडर ऑफ मॉस, तो अजका आपने मॉस के स्पेलिंग गलत क्यों लिखे हैं, आसान स्पेलिंग है, गलत क्यों किए हैं?
प्रेयर लीडर नईम शाकिर साहब ने ठीक कहा है, प्रेयर लीडर है इमाम मस्जिद, और लीडर ऑफ द मॉस्क नहीं, प्रेयर लीडर सही है। लीडर कहाँ बनने देते हैं इमाम को, वो कमेटी बैठी होती है सर, तो प्रेयर लीडर ठीक है। और दूसरा ये है कि जो है ना हमारे मुर्शिद, वो है स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर। तो बिलाल रमजान साहब भी मुझसे मुत्तफिक है, तो प्रेयर लीडर इमाम और स्पिरिचुअल लीडर हमारे रूहानी रहनुमा वो क्या है, मुर्शिद है। अच्छा अच्छा, अब आप खत्मे नबूवत की अंग्रेजी बताएं। और नबूवत की भी अंग्रेजी बताएं और खत्मे नबूवत की भी बताएं, दोनों की बताएं। नबूवत प्रॉफिट, वो तो नबी है, प्रॉफिट तो नबूवत का जो इदारा है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ डैश, व्हाट इज इट कॉल्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ डैश, इस तरह की खामोशी तो रोजा खुलन तो एक मिनट पहले होती, जिस तरह तो सारे चुप हो गए। अच्छा ये सही बताया है, प्रॉफिट हुड बिलाल भाई ने बताया है, ये इनके स्पेलिंग क्यों गलत आ रहे हैं बियाल रमजान, ठीक है जी, प्रॉफिटहुड, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड, और मैसेंजरशिप भी इसको कहते हैं, दो अंग्रेजी हैं, प्रॉफिटहुड नबूवत और मैसेंजरशिप शाकिर साहब। और जो है ना, अब आपने बतानी खत्मे नबूवत की अंग्रेजी, मुसलमान खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हैं, इसकी अंग्रेजी बताएं। आप पढ़ते नहीं ना, अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना आर्टिकल, तो फाइनली प्रॉफिटहुड करीब करीब है इब्ने अमीन, आपका जवाब लेकिन गलत है, करीब है लेकिन गलत है। जी नईम शाकिर, इन फैक्ट देयर इज not much different between prophet and messenger, muslims believe in the end of prophecy, ye to abu bakr aapne samjha diya na, lekin khatme nubuwat ki angrezi sun le, ha ye sahi jawab aaya, finality of prophet, google te nahi kita bhai jaan tusi, lekin jawab tusi sahi ditta hai, finality of prophethood, theek hai ji, we muslims do believe in the finality of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam, तो हम मोहम्मद सल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हैं, और ये हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है, ईमान का लाजमी हिस्सा है, तो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, ठीक है जी, ये जवाब आपने दुरुस्त इरशाद फरमाया है। अच्छा निकाह पढ़ाने की अंग्रेजी बता दें, शायद आपको बताई थी शुरू के इसबाक में, ये मैं लिख रहा हूं फिर ये ले, ये मैंने मैसेज भेजा है, ये पढ़ ले, सोल्मनाइज निकाह, निकाह पढ़ाना, तो सोल्मनाइज निकाह, तो निकाह ये पढ़ाने की अंग्रेजी है, ठीक हो गया जी। अच्छा हक महर की अंग्रेजी बताएं, हक महर, निकाह को अंग्रेजी में निकाह कहते हैं बदर साहब, एन आई डबल के ए एच, हक महर की अंग्रेजी नहीं बता रहे कोई भी, अच्छा तो मैं लिखने लगा हूं, हक महर तो ठीक है लेकिन अंग्रेजी भी है, ब्राइडल गिफ्ट, ब्राइडल गिफ्ट, अगर अंग्रेज को समझाना हो ना तो ब्राइडल गिफ्ट, तो मुझे दुल्हन की और दूल्हे की दोनों की अंग्रेजी बताएं,
स्क्रीन नहीं ना, मोहम्मद अहमद शो होगी क्योंकि मैं स्क्रीन से पढ़ा नहीं रहा। मैं आज क्योंकि आहद भट्ट साहब हमारे साथ नहीं है, वो ज़रा मसरूफ़ है, तो मैंने कहा कि आज मैं अपनी तरफ से ज़रा आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन करता हूँ। वो तो पढ़ते ही रहते हैं हम। फरा शाहिद ने सही जवाब दिया ग्रूम, लेकिन ये किसकी अंग्रेजी बताई है? एक की है ग्रूम, ब्राइडल। तो ब्राइडल गलत हो गया इब्ने अमीन। यार तुम अल्फाज के करीब करीब घूमते रहते हो इब्ने अमीन। ब्राइड ठीक है नईम शाकिर, ब्राइड किसकी है, दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है, दोनों जवाब दुरुस्त इरशाद फरमाए हैं नईम शाकिर साहब ने। तो दुल्हा ग्रूम है, ठीक है जी, ग्रूम दूल्हा ग्रूम है और दुल्हन जो है वो ब्राइड है। और ब्राइडल जो है वो उरूसी की अंग्रेजी है, मसलन ब्राइडल ड्रेस दुल्हन का लिबास, ब्राइडल पार्टी वो ख्वातीन जो दुल्हन को लेके आती हैं उनको कहते हैं ब्राइडल पार्टी, ब्राइडल फैमिली। तो ये सारी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। अच्छा यतामा की क्या अंग्रेजी है, यतीम की अंग्रेजी बताएं। और लै पालक की भी बताएं, यतीम की भी बताएं। ऑर्फन, 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 यतीम। ठीक है जी, ऑर्फन ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूं आपके लिए स्पेलिंग, ऑर्फन ये है जी, ऑर्फन ठीक है। और लै पालक जो क्या है वो एडॉप्टेड है जी, एडॉप्टेड। ये ऑर्फन के स्पेलिंग फिर गलत कर दी है तुम लोगों ने यार। शुगर है तुम मेरे को लाइव क्लास नहीं पढ़ते पे, वरना मैं तुम्हें बड़ा खपाना सी, तुम्हें एक स्पेलिंग मैं वी दफा लिखवाना सी कि तू तुम्हारे को दोबारा गलत नहीं होना सी, लेकिन चलो हूँ तुम करे बैठे जे। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड चाइल्ड। और सौतेले को क्या कहते हैं, फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर, फॉस्टर ब्रदर। हाँ जी नईम भाई ठीक इरशाद फरमा रहे हैं, माँ शरीफ बहन भाई फॉस्टर जो बने हुए हैं ना वो फॉस्टर हैं सुतेले। अच्छा अब आप फरमाए तफसीर की अंग्रेजी बताएं, तफसीर। कह रहे मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ, कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूँ, तो व्हाट इज तफसीर। तफसीर की तफसीर ही है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए शाकिर, मारते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ठीक है जी, शाकिर साहब का इनकार भी नहीं कर सकते, बुजुर्ग हस्ती हैं, कह रहे हैं तफसीर ही ठीक है। एक्सप्लेनेशन फरा शाहिद, लेकिन एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग जब आप गलत करते हैं तो मेरे दिल पे छुरियां चल जाती हैं, तो मैं एडी मुश्किल ना एम ए इंग्लिश कीता ते तुसी आराम ना स्पेलिंग जड़े गलत कर देंदे हो, अल्लाह आले हो स्पेलिंग ना गलत करया करो, ताड़ी मेहरबानी है। एक्सप्लेन में ए आई आता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं आता। तफसीर की अंग्रेजी कमेंट्री, कमेंट्री ऑफ द कुरान, कुरान पे जो कमेंट किया है मुफस्सिरीन ने। बाकी तफसीर भी ठीक है समझ आ जाएगा, लेकिन किसी अंग्रेज ना गल करोगे इफ ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ तफसीर इज गोइंग टू आस्क यू That Shakir, what are you going to say? So elaborate. So what is this? ये जो हाशिया है, ये जो margin है, तो आपको you need to explain to him कि ये sir commentary of Quran है। Exegesis भी कहते हैं, लेकिन वो जरा मुश्किल लफ्ज है। तो commentary of Quran by Justice Reverend Taqi Usmani साहब। तो ये क्या है, तफसीर है, commentary। और commentator कौन है, Justice Taqi Usmani साहब या हज़रत किबला मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इसको कमेंट्री भी कहते हैं। अच्छा सर, अब इसके अलावा आपने बतानी है जनाब अंग्रेज़ी मुर्तद की अंग्रेज़ी बताएं, मुर्तद। ये ज़रा मुश्किल पूछ लिया मुझे लग रहा है मैंने, बिट हार्ड फॉर यू टू आंसर मुर्तद। मुर्तद की अंग्रेजी बतानी है, डिसबिलीवर तो काफिर है जो यकीन नहीं रखता। हर काफिर, काफिर और है, मुर्तद और है। मुर्तद तो वो है ना जो ईमान लाया है और फिर इर्ताद किया उसने। फरा शाहिद योर आंसर इज अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग।
जब बिनते कुरैशी मखिया, सही जवाब है एपोस्टेट, एपोस्टेसी है ये अबू बकर, स्पेलिंग गलत हो गए हैं। एक मैं भी वर्ड का, एक बिनते कुरैशी ने बताया, एक मैं भी बता देता हूँ, रैनी गेट भी इसे कहते हैं, रैनी गेट, रैनी गेट, रैनी गेट। इट्स टाइम फॉर माई प्रेयर, प्लीज अलाउ मी। यस नईम शाकिर, यू कैन सर डू लीव। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि आज इतना ही हम रहने दें जितना हमने पढ़ा है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को जजाए खैर अता फरमाएं। दो मिनट और पढ़ लेते हैं, बस 7:10 पे ऑफ कर देते हैं, 7:15 शायद अजान हो जाएगी, तो काफ़ी है आज इतना ही तो जो हमने पढ़ा है। अच्छा, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये एक हदीस आपके सामने आ गई है, इसको ज़रा देखते हैं, बरकत के लिए अल्लाह के नाम पे इख्तिताम कर देते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله جميل آها کیا بات ہے اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ حسین ہے واہ 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 کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی ہے حدیث میں کہ إن الله جميل اللہ تعالیٰ حسین ہے اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے वाह वाह वाह। और मेरा ख्याल है कि स्क्रीन शो हो रही है आपको, अब स्क्रीन इज बीन शोन। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला हसीन है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर इंसान इस कायनात में अगर आंख दीदा बीना रखता हो, तो कायनात में हर जगह जलवे ही जलवे अल्लाह ने बखेर दिए हैं, नगमे ही नगमे हैं कायनात में। उफ, रुपहली धूप है, झरने हैं, वादियां हैं, खेत खलियान हैं, चांद की चांदनी है, आसमान नीलगुं आसमान है। वाह वाह वाह। आप कभी जाएं नारान या सवात या कुमराट वैली, तो अल्लाह की तौहीद के जलवे और नगमे आपको चार सू नज़र आते हैं, और ज़ुबान पे ये नारा मस्ताना रहता है, इन्नल्लाह जमीलुन या फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो आगे मुकम्मल कर लेते हैं, युहिब्बुल जमाल, अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी, अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। आर टाइम इज़ अप सर, अकॉर्डिंग टू माई प्रामिस, मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ की थी, वक्त मुकम्मल हो गया, तो कल इंशाअल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। सब लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से रहें, मैं भी आपके लिए दुआ गो, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।